हेलो फ्रेंड, दिस इज राम सिंह यादव वंस अगेन एंड वेलकम टू ऑफ अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से बिना इंटरनेट के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और वो भी अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट से। आप लोगों को यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। जिस तरह आप लोग अपना बैलेंस चेक करते हो उसी तरह आप लोग पैसे ट्रांसफर कर सकोगे या फिर फैमिली मेंबर से ले सकोगे। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इन डिटेल बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं एक बैंक अकाउंट टू दी अनदर बैंक अकाउंट तो आप लोगों को वहाँ पे इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे एक ऐसा भी तरीका है जिसमें कि आपको बिल्कुल इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली वहाँ पे आप किसी भी फीचर फोन में लाइक छोटे मोटे फोन्स भी उससे भी आप पैसे ट्रांसफर कर पाओगे। और मैं बता दूं कि ये जो मैं तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत नया नहीं है, ऑलरेडी बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा और बहुत लोगों को मालूम भी होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अभी भी ये चीज़ें नहीं मालूम है। अगर आपको ये वीडियो आती है पसंद तो लाइक करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि जो तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बेसिकली *99# पे डिपेंड करता है। ये उसी तरह का तरीका जिस तरह की आप अपना बैलेंस चेक करते हो आपको अपना बैलेंस पता चल जाता है, उसी तरह से इस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप किसी भी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स को पैसे ले सकते हो या फिर दे सकते हो, भले उनका उनका रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं हो। आप डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकोगे यूजिंग IFSC कोड। अगर उनके पास UPI ID है तो वो भी आप ट्रांसफर कर सकोगे। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए, तो बेसिकली आपको सारा आइडिया हो जाएगा। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो कि मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है सारी चीज़ें यूज़ करने के पहले। सो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो सर्विस आप लोग यूज़ करने वाले हो *99# वाली, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ चार्ज पे करने पड़ जाते हैं। बेसिकली आपको 50 पैसे पर यूसेज आपको चार्ज करने पड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो बेसिकली आपको वहाँ पे 50 पैसे पे करने पड़ेंगे। आपके डायरेक्टली जो भी मोबाइल बैलेंस है वहाँ से कट जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये 50 पैसे जो आपके कटते हो मेरे ख्याल से वो वैल्यू फॉर मनी होगी। मेरे ख्याल से यह फ्री भी हो सकता था, लेकिन जो मोबाइल कंपनी से ये स्टैंडर्ड चार्ज कट करती है। और मैं इन चार्जेस के बारे में इसलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो बेसिकली इस सर्विस का आप यूसेज नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड, चलिए मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ कि आप लोग किस तरह से इस USSD की मदद से आप लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो बेसिकली आपको बस यहाँ पे *99# करके कॉल करना है और आपके पास बैलेंस होना कंपलसरी है। अगर आपने अनलिमिटेड वाला रिचार्ज किया होगा तो आपका जो ये सर्विस है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए आपके पास बैलेंस होना कंपलसरी है। तो बस आपको कुछ टाइम वेट करना है और यहाँ पे मैं बता दूं कि आप बैक पे क्लिक मत करना, नहीं तो आपका बैक हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं। सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, UPI ट्रांजैक्शंस, ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली आपको वहाँ पे अपना बैंक ऐड करना पड़ेगा और बैंक ऐड करने के बाद आपको अपना UPI पिन जनरेट करना पड़ेगा। UPI पिन वो होता है जो कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो आपका एक ATM पासवर्ड होता है ना, उसी तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए UPI पिन रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी सब सेट करके रखा है, तो यहाँ पे मुझे 1 नंबर क्लिक करना, बिकॉज 1 नंबर पे सेंड मनी का ऑप्शन है। और अगर मुझे रिक्वेस्ट करना होता तो मैं 2 यहाँ पे क्लिक करके सेंड कर देता। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक कर दूंगा और आपको थोड़ी देर वेट करना, बिकॉज ये जो सिस्टम है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर आपको मोबाइल नंबर पे मनी सेंड करना है या फिर UPI ID या फिर IFSC कोड की मदद से करना तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मैं UPI ID की मदद से पैसे आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल UPI ID नंबर 3 पे, इसके लिए मैं 3 नंबर सेंड कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे UPI ID डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने UPI ID डाला है उस पर मेरा ही बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है जो कि राम सिंह यादव के नाम से है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, तो मैं ज़्यादा अमाउंट डालूंगा नहीं। और यहाँ पे रिमार्क भी डालना है सो दैट कि अगर आपका जो बैंक एंट्रीज होगा उसमें आपको पता चले कि आपने ये जो पैसे सेंड किए वो क्यों किए थे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे YouTube demo करके डाल देता हूँ। और चलिए बस इसके बाद आपको करना है आपका UPI पिन जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पासवर्ड होता है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे बैंक से मैसेज भी आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुल हो गया है। तो बस वहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलते हैं, या फिर जो मैंने जिसको पैसा सेंड किया उसका जो ID है वो मैं सेव कर दूँ या फिर एग्जिट कर दूँ। तो बेसिकली मुझे सेव नहीं करना है तो बस मैं एग्जिट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको सारे प्रोसीजर्स और सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर यूज़ करते हो अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए, फ़ोनपे या फिर तेज़ैप, ऐसे कुछ पेटीएम्स क्या क्या यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो आती है पसंद तो लाइक करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।